लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है मझौलिया से, आपको बता दें प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत भवन स्थित शुक्रवार के दिन पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पंचायत के मुखिया कमलपति देवी पति इकबाली राम पर सौतेल्य व्यवहार करने से तंग आकर पंचायत भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही गई और प्रदर्शन कर रहे वार्ड सदस्यों ने कहा कि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण को आवेदन देने की बात कही गई है। प्रदर्शन करने वालों में उप मुखिया हुसैन वार्ड नंबर 14, नगीन वार्ड नंबर 7, श्री किशन माझी वार्ड नंबर 2 सहित काफी सारे लोग विभिन्न वार्डों से उपस्थित थे। देखिए संवाददाता मनीष कुमार की यह रिपोर्ट। R9 भारत संवाददाता मझौलिया से मनीष कुमार इस समय प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत के पंचायत भवन है, जो यहाँ पर बखरिया पंचायत में 14 वार्ड है। यह 14 वार्डों ने कल प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक अपना आवेदन पत्र दिया है, जिसमें इन लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बात कही है और मुखिया पति द्वारा, कमला पति जो यहाँ की मुखिया हैं, उनके पति के द्वारा अभद्र व्यवहार की बात कही गई है। इस आवेदन में इस समय 14 वार्ड के वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उनसे समझेंगे कि यह क्या कह रहे हैं। आप उप मुखिया हैं जी, आप कल इसी आवेदन को आप वीडियो साहब को दिए थे जी, तो इसमें तो आप लोग लिखे हैं कि जो मुखिया पति द्वारा अभद्र व्यवहार और आप लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखा जाता है और आप लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो यह क्या, इसमें क्या मामला है? 14 वार्ड लोग आप लोग सब लोग सिग्नेचर इसमें किया है, 14 वार्ड संघ है, हम लोग हैं सब लोग सामूहिक, आप लोग इस्तीफा दीजिएगा अगर इसका निराकरण नहीं मिलेगा तो। इस संबंध में आप क्या कहिए? इस संबंध में हम लोग सब एकजुट हैं, अगर हम लोग का मान सम्मान नहीं मिला तो हम लोग इस्तीफा। मुखिया जब आप लोग मिलने जाते हैं किसी तरह की कार्यकारिणी की बैठक होता है, उसमें क्या आपको मुखिया आपका श्रेय नहीं देता है? हमको तो कोई कार्यकारिणी का तो मीटिंग है नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ। अब विकास कार्य पूरे पंचायत में हो रहे हैं, ऐसे भी जाली सिग्नेचर करा के अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। हम पूछते हैं इस संबंध में, कभी आप मुखिया है तो आप बैठक करते हैं? हम बैठक कराते हैं, या जब बैठक कराते हैं तो मुखिया जी आते नहीं है, तो पंचायत सचिव, पंचायत सचिव भी नहीं आते हैं। क्या नाम है? विनोद राव पंचायत सचिव, वो नहीं आते हैं, नहीं आते हैं ना कभी फोन तक, हम इतना फोन करते हैं कभी फोन नहीं उठाते हैं। अपना परिचय बताइए। शमशाद हुसैन, कई नंबर वार्ड है? 14 नंबर वार्ड है मुखिया। आप कौन नंबर वार्ड के पार्षद? हम वार्ड नंबर 1। आप हैं जी? विकास राम। क्या मामला है आपके पंचायत का? पंचायत में तो सर बहुत ढंग से मनमानी ही काम हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है। आरोप लगाया गया है आवेदन में, वीडियो साहब जो दिया गया है कि इसमें जो अभद्र व्यवहार मुखिया पति करते हैं, तो आप लोग मुखिया पति के पास क्यों जाते हैं? अपने जनप्रतिनिधि के पास, अपने मुखिया के पास क्यों नहीं जाते? वो तो बात नहीं करने देते हैं अपने पत्नी से। मुखिया जी बोलते हैं कि हम ही सब कुछ प्रभार अपना स्तर से करेंगे। एक बार हम मुखिया उनके पत्नी जी के पास बोले कि हमारे वार्ड में काम काज हो रहा है मुखिया जी, तो उसमें हमारा भी सौभिका उन्हें दीजिए, तो बोले कि आपसे वो काम होगा नहीं होगा आपसे काम। तो हम लोग इसलिए मुद्दा पर उठाए हैं हमारे 14 मजूरिया से मनीष कुमार। इस समय बखरिया पंचायत के मुखिया कमलपति देवी के आवास पर आया हूँ, जहाँ पर मुखिया पति इकबाली राम यहाँ पर उपस्थित है। उनसे समझेंगे कि इनके वार्ड सदस्य, जो इस पंचायत में 14 वार्ड है, सभी वार्ड सदस्यों ने कल प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में एक आवेदन देकर सामूहिक अपना वो लोग इस्तीफा देने की बात कही है और अभद्र व्यवहार पर लगाने की आरोप लगाई है। इस संबंध में हम यहाँ पर इकबाली जी से समझेंगे क्या ये मामला है, जो आप पर बताया जा रहा है कि उनके विरोध आप लोग आप एकदम नाराज रहते हैं, उन लोग को कुछ ना कुछ कह देते हैं, वार्ड सदस्यों के साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? हमेशा लेकर चले हैं, 9 महीना दिन तो उसको हमारे जितना वार्ड है 14 वार्ड को गोद में लेकर चलते हैं। विकास दिए हर एक एक वार्ड का 15 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख का काम दिए हैं, हर वार्ड को दिए हैं काम। आपका उप मुखिया एकदम बेचैन है? हमारे उप मुखिया जो बेचैन है, ये गलती उनकी है, उनकी सहन शक्ति सही नहीं है। वो हमेशा जब भी हमारे पास आते हैं तो शराब पीकर आते हैं और ये बोलते हैं कि मुखिया जी मुझे काम नहीं दीजिएगा। हम कहते हैं बाबू तुम शराब पिया कर दो, काम हम आपको देंगे, काम करो,
हम देने के लिए है, आपका यहाँ है, आपका आम है तो मेरा आम है तो हम काम देवे करेंगे। लेकिन वो 24 घंटा नाश्ता में यूज कर कर मुझे पास आता है, कुछ ना कुछ अभद्र बात बोल देते हैं। उप मुखिया का नाम है शमशाद मियाँ, अभद्र अभद्र बात बोलते हैं, कहते हैं बाबू हम इस सब में नहीं रहते हैं, आप घर। अच्छा, आप पर कहीं जानलेवा हमला हुआ जो थाना में आवेदन दिया? जो अभी हम वही चीज बताने जा रहा हूँ कि मैं 8 नंबर वार्ड में एक सुक्ता बनवा रहा था, मैं अपने घर पर खाना खाने के लिए आए थे, तब तक उसी अवेज में अजय साहब, पिता का नाम नगेंद्र साहब, वार्ड नंबर 8 ग्राम पंचायत राज बखरिया का है, वो आए और लेबर को बोले कि काम किसने करवा रहा है, हमारे काम करने वाले मजदूर बोले कि मुखिया जी कटा बनवा रहे हैं, सुक्ता बनवा रहे हैं, आ तो मुखिया को बुलाओ, मुखिया का है काम कराएगा हमारे वार्ड में, कौन होता है मुखिया काम कराने के लिए। लेबर द्वारा मुझे सूचना मिला, मैं वहाँ घटना स्थल पर पहुँचे, काम काज जहाँ हो रहा था वहाँ पहुँचे और मैं अपने लेबर से पूछे क्या बात है, ये काम आप लोग बंद कर दिया है? वो बोले कि मुखिया जी अजय साहब आए और बोलता है काम नहीं बंद लगा, अगर एक छोर मिट्टी काट लीजिएगा तो आप लोग टांग काट लेंगे। फिर हमने गए तो बोले कि काम कीजिए, और काम शुरू हुआ उसी अवेज में अजय साहब आए और आते बोले कि तुम कौन है हमारे वार्ड में काम कराने वाला? हम बोले कि मुखिया पति अकबालीराम है, हम काम करा सकते हैं, मेरा 15वीं का ये राशि है, हमें सोखता बनाना अनिवार्य है।